गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अपने घर पर सुरक्षित होंगे। तो आज हम हिंदी व्याकरण का टॉपिक करने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है वर्णों का उच्चारण स्थान। यानी कि अब जो हम वर्ण बोलते हैं, जो हम ध्वनियां बोलती हैं, उसका जो उच्चारण है, यानी कि मुख के जिस भाग से बोला जाता है, वह उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। तो आइए हम देखते हैं, उनको हमने 10 भागों में बांटा है और बारी बारी से हम उनको करते हैं। तो जो सबसे पहला है हमारा कंठ है, यानी कि जो गले से, यानी कि इनका उच्चारण गले से होता है, वो वर्ण कौन कौन से हैं हमारे, अ आ क ख ग घ और अंग। इस प्रकार जो ये हमारे 7 वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान कंठ है, यानी कि कंठ से होता है। दूसरा जो हमारा तालव्य, दूसरा जो स्थान है वो है तालव्य, इनका जो उच्चारण स्थान वो तालु द्वारा होता है। कौन कौन से वर्ण है वो देख लेते हैं। पूरा का पूरा च वर्ग, च छ ज झ अ और य और श, ये जो हमारे 7 वर्ण हैं, ये भी इनका जो उच्चारण स्थान है, ये है इनका तालु या तालव्य। तीसरा जो हमारा वर्ण स्थान है वो है मूर्धा, यानी के मूर्धन्य, इनका जो उच्चारण है वह मूर्धा से होता है, यानी कि तालु के मूर्धा भाग से होता है। और वो कौन कौन से वर्ण है हमारा, रि त ठ ड ढ ण र और स, ये इस प्रकार हमारे ये भी 7 वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान है मूर्धन्य। समझ आया इतना। आगे है जो हमारा वो है दंत्य, दंत्य मतलब दांत, जिनका उच्चारण स्थान हमारे दांतों पर जीभ लगने से होता है। दंत्य मतलब दांत, कौन कौन से है हमारा, पूरा त वर्ग, त थ द ध न ल और स, इस प्रकार ये भी हमारे 7 वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान है दंत्य, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा ओष्ठ है, दोनों होठों की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं उनको हम ओष्ठ कहते हैं। कौन कौन से हैं वो हमारे, पूरा हमारा प वर्ग, प ह ब भ और म, ये 5 के 5 वर्ण, इनका जो उच्चारण स्थान है वह है ओष्ठ, यानी होठों की सहायता से जो बोले जाते हैं। इसके बाद जो हमारा आता है नासिक्य, मतलब मुख और नासिका से जिनका उच्चारण होता है वो नासिक्य कहलाते हैं। और ये कौन कौन से हैं, अंग अं अयं ण न और म, यानी कि हम पंचम वर्ण, इसको हर वर्ग का पंचम वर्ण भी कहते हैं, जो हमारे अंग अय्या ण न और म, और साथ में एक है हमारा जो स्वर अंग, ठीक है। उसके बाद दंतोष्ठ है, यानी कि निचले होठ के साथ दांतों के मिलने से जो वर्ण बोला जाता है, और वह है हमारा व, क्या है व। अगला जो है हमारा कंठोष्ठ है, मतलब कंठ और ओष्ठ के द्वारा, यानी कि होठों के द्वारा जिनका उच्चारण होता है वो कहलाते हैं कंठ ओष्ठ है। तो कौन कौन से हमारे, 2 वर्ण हैं इसके अंदर, ओ और औ, ठीक है। उसके बाद कंठ तालव्य, ये हमारा 9वां पार्ट है, कंठ तालव्य, इनके कंठ और तालु से जिनका उच्चारण होता है वो कहलाते हैं कंठ तालव्य। इसके अंदर हमारे 2 वर्ण आते हैं, अ और अ, ठीक है। उसके बाद स्वर यंत्र से जो हमारा उच्चारण स्थान होता है उसके अंदर भी 2 वर्ण ही आते हैं, पहला है हमारा ह और जो दूसरा है वो है ओ, यानी कि जो अंग्रेजी भाषा से आगत वर्ण है हमारा ओ, उसका उच्चारण स्थान स्वर यंत्र से होता है। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि वर्णों को हम किस प्रकार उनके स्थान के अंदर जो बांट सकते हैं, कि उन वर्णों का क्या क्या स्थान है, मुख के जिस भाग से हम उनका उच्चारण करते हैं वह उसका स्थान कहलाता है।
इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे उच्चारण के आधार पर इनके भेद, उसके दो भेद हैं, एक है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो देखते रहिए हमारा चैनल, हम है सरकारी स्कूल।